जी नाजरीन, मैं रुस्तम अली और आप देख रहे हैं PNC 24। नाजरीन, आज बात करें कि ज़हनी मज़ूर बच्ची की जिसका तल्लुक मंडी बहादुर के इलाका पाड़े वाली से है। नाजरीन, कुछ दरिंदा सिफ्त इंसानों ने इस बच्ची के साथ इज्तमाही ज़्यादती की और उसके बाद ये दरिंदा सिफ्त इंसान उस बच्ची की वीडियो तक बनाते रहे। इस सानिया के बाद इस बच्ची का वालद मायूसी के आलम में इंसाफ ना मिलने पर जान की बाजी हार गया। नाजरीन, आज भी वो फैमिली इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। नाजरीन, इस सानिया के बाद कुछ बाज़मीर लोगों ने उस फैमिली के हक में आवाज़ बुलंद की। डीपी मंडी बोल दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले दो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन अब चलते हैं जो तस्वीर का दूसरा रुख है कि मैंने जैसे कि पहले बताया कि वीडियो बनाते रहे ये दरिंदा सिफ्त इंसान, वीडियो भी बनाते रहे, तो हमें एक वीडियो मशहूर होती है जिसकी वॉइस ये बात साबित करती है कि बच्ची के साथ जो जिनसी ज्यादती करते रहे तीन मुलजम थे। तो उन अब हमारा सवाल ये है कि जब एक वीडियो ये चीज़ साबित कर रही है कि बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले तीन अफराद हैं, तो तीसरा मुलजम अब तक गिरफ्तार क्यों ना हुआ? तो हम नहीं जानते कि इस बच्चे के साथ कितने लोगों ने जिनसी ज्यादती की। ये काम मंडी बहाउद्दीन पुलिस का है कि वो पता करवाएं, कि वो तफ्तीश करें, या जैसे भी उन्होंने पता करवाना है वो पता करवाएं कि बच्चे के साथ कितने लोगों ने इस वाकया में, इस वकूआ में कितने लोग मुलव्वस हैं। अब नाजरीन, अलमिया ये है पाकिस्तान में कि एक गरीब जिसकी इज्जत पहले लूट ली जाती है, फिर अब यहाँ पे देखें उस बच्ची का बाप कुछ दिन बाद जान की बाजी हार जाता है और उस वो बेचारी माँ जिसकी बेटी की इज्जत लूट गई और उस वो अपने शोहर जो है वो बेवा भी हो गई और आज भी उनकी इज्जत लूट रही है। कैसे इज्जत लूट रही है? ऐसी इज्जत लूट रही है कि रोजाना जब वो इतजाज शराबा इतजाज होते हैं, इंसाफ की भीख मांगते हैं, तो उनकी इज्जत लूट रही होती है। एक गरीब उसके पहले इज्जत लूटती है, बाद में रोजाना जब वो अपनी बातें करता है, अपनी बहन की इज्जत, उसकी इज्जत कहता है कि मेरी बहन की इतने लोगों ने इज्जत लूटी, तो उसकी इज्जत रोजाना लूट रही होती है। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरा ये मानना है कि उसकी रोजाना उनकी बेबसी का जरा आलम आप जरा महसूस कीजिए। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हुकाम इस पर नोटिस लें, आप लोग मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अल्लाह हुकाम इस पर नोटिस लें और उस फैमिली को इंसाफ मिल सके। अब तक के लिए इतना ही।